সব লেটেস্ট আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলে, আর বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিদিকে বলো কর্মসূচি কটাক্ষ করে পাল্টা স্লোগান দিলেন বিজেপি সর্বভারতীয় সহসভাপতি শিবরাজ সিং চৌহান। কলকাতায় দলের রাজ্য দফতরে শিবরাজ বুধবার বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন দিদিকে বলো, আর জনতা বলেছে দিদিকে ছাড়ো মোদীকে বলো। শিবরাজ অভিযোগ করেছেন তৃণমূল চরম অন্যায় অত্যাচার এবং গুন্ডাগিরি চালাচ্ছে এ রাজ্যে, রাজ্যবাসী এই লুট এবং দুর্নীতির জবাব দিয়েছে লোকসভা ভোটে, তাই আমরা এ রাজ্যে 18 আসন এবং 40%-এর বেশি ভোট পেয়েছি। তাই দিদি ঘাবড়ে গিয়ে এখন থেকেই ভোটের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন, কিন্তু মানুষের কল্যাণে কাজ করলে এখন দিদিকে এসব করতে হতো না। দিদি হিসেবে ঘাবড়াই হুই, চুনাও কি তৈয়ারি হুনে শুরু কিয়ে, লেকিন মুঝে ইয়ে জান কে আশ্চর্য হুয়া কি ভো পশ্চিম বঙ্গাল তয় করতা থা উসকে পিছে দেশ চলতা থা। দুনিয়া কো প্রভাবিত করনে বালে অর এক দিশা মে চলানে বালে মহাপুরুষ আগর দিয়ে তো হামারে বঙ্গাল মে দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ, সারি দুনিয়া কো জিনহোনে প্রভাবিত কিয়া থা আর ভারতীয় সংস্কৃতি কি ধ্বজা পতাকা কো ইউরোপ ও আমেরিকা ও সব জায়গায় ফেরানে কা কাম কিয়া থা। রবীন্দ্রনাথ টেগোর, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস কেবল ভারত কি আজাদি কে নি লড়ে, ও তো লড়েই লেকিন পুরি ভারত কে বাহার যা কে আজাদ ইন ফৌজ উন্হোনে বনাই। জগদীশ চন্দ্র বসু জেসে বৈজ্ঞানিক হুয়ে, মহর্ষি অরবিন্দ ঘোষ হুয়ে, এক সে এক প্রতিভা ইয়া হুই, আর আজ ভি ট্যালেন্ট কি কমি নেই হ্যায়। ইয়ার ভারত মে চন্দ্রযান দিয়া তো চন্দ্রনাথ जो युवा वैज्ञानिक या साइंटिस्ट है वो पश्चिम बंगाल के हैं। लेकिन इलेक्शन स्ट्रेटजी बनाने के लिए दीदी को कोई बंगाल में टैलेंट मिला ही नहीं, बाहर से उधार लाए। अब एकदम दीदी से यही सवाल करना चाहते हैं कि इलेक्शन स्ट्रेटजी के लिए बंगाल में कोई नहीं था, बाहर से लोग आइडिया देने के लिए, चुनाव जिताने के लिए, स्ट्रेटजी बनाने के लिए वो लेके आई, और आइडिया जो नजरिए कि दीदी को बोलो, दीदी को क्या बोलो, दीदी सुनती तो ये दुर्गतिकार को होते, वो कह रहे हैं दीदी को बोलो, जनता कह रही है दीदी को छोड़ो, मोदी जी को बोलो। सचमुच में आज ममता जी घबराई हुई है, परेशान है। अब वो जो आइडिया दे रहे हैं कि विस्तारक निकाल रहे हैं, विस्तारक भारतीय जनता पार्टी की पीके हैं, वो नकल करवा रहे हैं। विस्तारक निकालेंगे, बीजेपी जो कर रही करेंगे, इससे कुछ नहीं होता, बेहतर होता अगर वो ठीक ढंग से काम करती बंगाल के कल्याण के लिए और जनता के कल्याण के लिए। आज बंगाल में चारों तरफ अराजकता का राज है। बंगाल को पहले लूटा कांग्रेस की सरकारों ने, बाद में तबाह किया सीपीएम ने, कम्युनिस्टों ने, पर अब तबाही की इंतहा कर दी ममता बनर्जी जी ने। आज बंगाल में चारों तरफ ऐसे ऐसे सख्त अनुसंधान पहले बंगाल के वैज्ञानिक करते, यहाँ तो नई नई खोज हो रही है। आजकल देश में चर्चा हो रही कट मनी, पहले तो समझ में नहीं आया कि कट मनी क्या है, आज में समझने की कोशिश की तो पता चला कि योजनाओं का जो पैसा आता था पहले से ही एडवांस वसूल लिए जाते थे, पर एक इस पे कुछ और दूसरे उस पे कुछ, हम नहीं कह रहे जमा नहीं कर रहे। ममता जी ने कहा कि कट मनी में जो पैसा दिए वापिस करो, घोटाले को स्वीकार कर लिया, पहले शारदा चिटफंड जैसे घोटाले,
बाद में कट मनी का घोटाला, और अब दीदी कह रही कि नहीं वापस लाओ वापस लाओ। ये अंधेर कर दिए, बंगाल में कोई दीदी की सरकार नहीं है, बंगाल में पुलिसिया राज चल रहा है, थाने डीएमसी चला रहे, और पुलिस यहां की बी टीम की तरह काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तेजी से बढ़ रही है, उससे परेशान होके हिंसा का उन्हीं खेल खेला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के 74 कार्यकर्ता 74 अब तक मारे जा चुके हैं। कैसा लोकतंत्र है ममता जी बताएं? लोकतंत्र में किसी भी दल का काम करने की आजादी किसी भी कार्यकर्ता को है। लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया,